हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल मैम। भाई आज 21 अप्रैल स्टार्ट करते हैं आज की कन्नड़ पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 18 अप्रैल को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड का आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है बांग्लादेश में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? उद्घाटन किया गया इदुक्की में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता किया है भारत में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UNFPA ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है? तो ये अनुमान लगाया है 77 ईयर्स में, यानी 77 साल में, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेरेक अंडरवुड का निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये थे क्रिकेटर, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने निर्भय ITCM क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये परीक्षण किया ओडिशा में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व का पहला मेनिनजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये वैक्सीन लॉन्च किया है नाइजीरिया ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आलिया भट्ट को, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है अबू धाबी, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की तिरंगा वर्फी को GI टैग मिला है? तो ये टैग मिला है वाराणसी की, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जस्ट ए मर्सिनरी नाम से अपना संस्मरण लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है डुबुरी सुब्बा राव ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अयोध्या में श्रीराम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्था ने अहम भूमिका निभाई है? तो निभाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय सेतु मच्छिंद्र नाथ रथ यात्रा कहाँ समाप्त हुई? ये समाप्त हुई काठमांडू में, जो कि पड़ता है नेपाल में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ ATGM प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है? तो ये अभी आयोजित किया सिक्किम में, यानी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो गाइस कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।